नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक माँ अपनी 3 साल की बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई और उसके जबड़े से बच्ची को छुड़ा लिया। मामला दुर्गापुर परिसर का है। इस घटना के बाद लोगों ने वन विभाग के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लोग इस तेंदुए को जान से मारने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 9 बजे बच्ची अपने घर के आंगन में बैठकर खाना खा रही थी, तभी अचानक से उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया और घसीटकर ले जाने लगा। अपनी बच्ची को तेंदुए के जबड़े में देखकर मां के होश उड़ गए। उसने बिना देरी किए डंडा उठाया और तेंदुए के पीछे भागी, फिर उस पर डंडे से वार किया। डंडे का एक वार तेंदुए के मुंह पर पड़ते ही उसने बच्ची को छोड़ दिया। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि बच्ची की मां ने उस पर डंडे से लगातार कई वार किए, जिसके बाद वह वहां से भाग गया। इस हमले में बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फौरन उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर बच्ची की मां ज्योति पुलवार ने बताया, मेरी बेटी घर के आंगन में खाना खा रही थी और मैं नहाने गई थी। नहाकर जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा कि तेंदुए मेरी बेटी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर डंडे से हमला कर दिया। हमले के बाद तेंदुए ने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन वह फिर से हमला करने की फिराक में था। मैंने उस पर लगातार डंडे से वार किए तो वह वहां से भाग गया। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।